नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो से हम रिंग थ्योरी का एक और इम्पोर्टेंट सब टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वोशेंट रिंग। क्वोशेंट रिंग जो है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूं, उससे पहले जरूरी ये है कि आप ग्रुप थ्योरी का टॉपिक जो है कोसेट वो अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर आपको ये जो टर्म है कोसेट वो अच्छे से समझ में आएगा तो आज के वीडियो को समझना आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी के अंदर भी ये वाला एक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, जिसे हम कहा करते थे क्वोशेंट ग्रुप। अगर आप ग्रुप थ्योरी वाला ये चीज़ अच्छे से समझ लेते हो, कोसेट का कॉन्सेप्ट एंड क्वोशेंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट, तो क्वोशेंट रिंग आपके लिए समझना बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आप एक बार देखते ही वीडियो को आराम से उसको समझ सकते हैं। अगर आप उसको जानते भी हैं तो भी आप एक काम कीजिए, ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट पे जाइए, इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखिए और उसके बाद में आज की वीडियो को समझिए। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह का जो कलेक्शन होता है वो एक रिंग फॉर्म करता है, और उस कलेक्शन को अल्टीमेटली हम कहते हैं क्वोशेंट रिंग। सपोज हमारे पास में आर प्लस डॉट एक रिंग है और आई उसका एक आइडियल है, तो हम एक ऐसा कलेक्शन आर बाय आई, जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में, आर प्लस आई सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। ये जो कलेक्शन होता है हमारे पास में आर बाय आई, हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एक रिंग फॉर्म कर रहा है। अब अगर ये रिंग फॉर्म कर रहा है तो सबसे पहले हमें उसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना होगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि r प्लस आई प्लस एस प्लस आई इज इक्वल टू r प्लस एस प्लस आई, एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे हम r प्लस आई इंटू एस प्लस आई इज इक्वल टू आर एस प्लस आई। तो यहां पर इस तरह से हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, आर प्लस आई और एस प्लस आई, आर बाय आई के, उनके बीच में हमने एडिशन कुछ इस तरह से डिफाइन करा है कि आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई इज इक्वल टू आर प्लस आई, दोनों एलिमेंट्स को साथ में, प्लस आई कितनी बार भी खुद से मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी आई कितनी बार भी खुद के साथ में ऐड हो जाए वो आई ही रहेगा। इसी तरह से r प्लस आई डॉट s प्लस आई, ये r के जो एलिमेंट्स हैं रिंग के वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस i। तो इस तरह से हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया है r बाय आई के अंदर, और हम ये प्रूफ करेंगे कि r बाय आई जो है वो एक रिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम आज के वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो r by i एक रिंग होगा और इसको हम कहेंगे क्वोशेंट रिंग विद रिस्पेक्ट टू आइडियल i, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी रिंग का खाली एक ही क्वोशेंट रिंग एग्जिस्ट करे, हर एक आइडियल के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग क्वोशेंट रिंग एग्जिस्ट करेगा। r by i1, i1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्वोशेंट रिंग हो गया, r by i2, i2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्वोशेंट रिंग हो गया। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन रिंग्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो फॉर्मल पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर, डिफाइन आर बाय आई, किस तरह का कलेक्शन हम ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स आर प्लस आई वेयर आर बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास में आर बाय आई क्या आ जाएगा, आर प्लस आई सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर हम इस सेट के अंदर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। डिफाइन
एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑन आर बाय आई एज फॉलोस. दो एलिमेंट्स ले लेते हैं हम. फॉर ऑल आर प्लस आई एंड एस प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई. सबसे पहले हम एडिशन डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि आर प्लस एस, सॉरी आर प्लस आई, वापस लिख देती हूँ उसको, आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई इज इक्वल टू आर एस प्लस आई एंड सॉरी ये एक लाइन गलत हो गई है, इसको मैं वापस से लिख देती हूँ. यहां पर आप यहीं से लिख लीजिए फॉर ऑल आर प्लस आई एंड एस प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई वेयर आर एस बिलोंग्स टू आर. ये आ गया. तो आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई एडिशन हम किस तरह से लिख रहे हैं, ये जो रिंग के दो एलिमेंट्स हैं उन्हें कंबाइन कर देंगे एडिशन से, आर प्लस एस प्लस आई. और मल्टीप्लीकेशन हम ले रहे हैं आर प्लस आई इंटू एस प्लस आई इज इक्वल टू आर एस प्लस आई. अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑपरेशंस हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन आर बाय आई के अंदर ये वेल डिफाइंड है. किस तरह से, क्योंकि देखिए आर एस जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास में आर प्लस एस जो है वो भी आर को बिलोंग करेगा क्योंकि आर एक रिंग है. तो R is closed with respect to addition, तो R plus S जो है वो R को belong कर गया और R S R को belong कर रहा है, तो जो उनका product आएगा R S वो भी R को belong करेगा. तो R S belongs to R. Therefore, addition and multiplication is well defined here. यहाँ पर addition और multiplication जो है वो well defined हो जाएंगे. अब हमें ये प्रूव करना है कि r by i with respect to plus and dot जो कि हमने पिछले पेज पे डिफाइन करा है वो एक रिंग बनता है, is a ring. और ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है. तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि R by I with respect to addition is an abelian group. We will first prove that R by I with respect to addition is an abelian group. ये चीज हम यहाँ पर सबसे पहले प्रूव करेंगे. और अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो यहाँ पर क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये चारों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो वन बाय वन हम ये चारों कंडीशंस यहाँ पर प्रूफ करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर की. अब देखिए हम ऑलरेडी मैं इस चीज को पिछले पेज पे बता चुकी हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ये वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पर होल्ड हो ही रही है. लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज लिख के भी बता देती हूँ. लेट आर प्लस आई एस प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई वेयर आर एस कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर. तो आप कंसिडर कीजिए आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई विच इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस आई. यहाँ पर देखिए आर और एस आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो आर प्लस एस जो है वो भी आर को बिलोंग करेगा बिकॉज आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस, रिंग हो जाने के कारण आर जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो ये वाला पार्ट हमारे पास में कहाँ बिलोंग कर गया, आर को, और ये आई तो है ही. Therefore, this R plus S plus I belongs to R by I. Therefore,
R by I is closed with respect to plus. Second चीज जो हमें वो प्रूव करनी है वो है एसोसिएटिव लॉ. आप तीन एलिमेंट्स कंसिडर कीजिए. लेट आर प्लस आई एस प्लस आई टी प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई, जहां पर आपका आर एस टी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है. तो आप कंसिडर कर लेते हैं यहां पर हम कंसिडर आर प्लस एस आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई प्लस टी प्लस आई. ये आ जाएगा आर प्लस एस प्लस आई प्लस टी प्लस आई. ये क्या हो गया आर प्लस एस प्लस टी प्लस आई. यहां पर देखिए आर एस टी जो है वो आर के एलिमेंट्स हैं, तो वहां पर एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड होगा क्योंकि आर एक रिंग है. तो ये आ जाएगा आर प्लस एस प्लस टी प्लस आई. तो ये हो गया आर प्लस आई प्लस एस प्लस टी प्लस आई. अब इसको एज इट इज लिखेंगे हम यहां पर, प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे एस प्लस आई प्लस टी प्लस आई. तो यहां पर देखिए चाहे इन दोनों एलिमेंट्स को फर्स्ट ऐड कीजिए फिर ये ऐड कीजिए या फिर इसको एज इट इज रखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू प्लस. तो यानी कि यहां पर आर बाय आई के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. हम अगर आई ले लेते हैं जो कि हमारे पास में आइडियल ही है, इसको हम जीरो प्लस आई लिख सकते हैं क्योंकि आप आई के हर एक एलिमेंट के साथ में जब जीरो ऐड करोगे तो वो आई ही मिल जाएगा. तो आई इज इक्वल टू जीरो प्लस आई एक्ट्स एज और जीरो ऑफ जीरो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर बाय आई. कैसे आया एज आर प्लस आई, चाहे आप कोई भी आर प्लस आई ले लीजिए आर बाय आई का, प्लस जीरो प्लस आई इज इक्वल टू इसको आप कैसे लिख सकते हो आर प्लस जीरो प्लस आई विच इज इक्वल टू आर प्लस आई इज इक्वल टू जीरो प्लस आर प्लस आई विच इज इक्वल टू जीरो प्लस आई प्लस आर प्लस आई. देयरफॉर आपको क्या मिल गया आर प्लस आई प्लस जीरो प्लस आई इज इक्वल टू आर प्लस आई इज इक्वल टू जीरो प्लस आई प्लस आर प्लस आई. यानी कि अगर आप जीरो प्लस आई के साथ में आर बाय आई का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसको चाहे आप लेफ्ट साइड से ऐड कीजिए या फिर राइट साइड से ऐड कीजिए, आपको आर प्लस आई ही मिलेगा. और फॉर ऑल आर प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई. देयरफॉर आई इज इक्वल टू जीरो प्लस आई इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर बाय आई. तो यहां पर हमको एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल चुकी है. अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की. इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा. एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट मैं जब इसके एग्जांपल्स करूंगी आर बाय आई के तब भी यूज करने वाली हूं. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स
फॉर आर प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई, हर एक आर प्लस आई जो आर बाय आई को बिलोंग करता है, आपको पता है आर कैपिटल आर को बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट माइनस आर प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई, हर एक आर प्लस आई के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस आर प्लस आई तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, जहां पर यहां पर देखिए आर अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो हमें पता है कि आर रिंग होने के कारण हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस आर एग्जिस्ट करेगा, तो हर एक आर प्लस आई के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस आर प्लस आई एग्जिस्ट करेगा विच बिलोंग्स टू आर बाय आई, सच दैट आर प्लस आई प्लस माइनस आर प्लस आई इज इक्वल टू आर माइनस आर प्लस आई विच इज इक्वल टू जीरो प्लस आई। इस जीरो को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस आर प्लस आई विच इज इक्वल टू माइनस आर प्लस आई। तो आपको यहां पर क्या मिल गया डायरेक्ट कि आर प्लस आई प्लस माइनस आर प्लस आई इज इक्वल टू जीरो प्लस आई इज इक्वल टू माइनस आर प्लस आई प्लस आर प्लस आई, और यहां पर ये जो रिजल्ट है वो सभी आर प्लस आई के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रू हो रहा है, यानी कि हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट है आर बाय आई का उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाय आई हैज additive inverse, therefore r by i with respect to plus is a group, और इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि r by i with respect to plus एक ग्रुप होता है, क्योंकि यहां पर हमने ग्रुप की सारी conditions को प्रूफ कर दिया है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि r by i जो है वो एक रिंग है, और रिंग प्रूफ करने के लिए अब हमारे पास में खाली तीन चीजें बच गई है। फर्स्ट है कि इट शुड बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेकंड कंडीशन है एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, और थर्ड कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा है। नाउ टू शो आर बाय आई इज अ रिंग, तो तीन चीजें हमें यहां पर शो करनी है। फर्स्ट, आर बाय आई इज क्लोज्ड with respect to dot, second r by i is associative with respect to dot, और third condition है कि distributive law hold हो रहा है। ये तीनों चीजें हमें यहां पर prove करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी पहली condition को prove करते हैं कि r by i जो है वो closed है with respect to dot, तो इसके लिए हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट आर बाय आई लेट आर प्लस आई एस प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई, टू शो आर प्लस आई इनटू एस प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई। तो हम कंसिडर कर लेते हैं यहां पर, कंसिडर R प्लस आई डॉट एस प्लस आई, ये क्या आ रहा है हमारे पास में, आर एस प्लस आई। अब देखिए R और S जो है वो I के एलिमेंट्स थे, R के एलिमेंट्स थे, R S जो थे वो R के एलिमेंट्स थे, जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो भी R का एलिमेंट होगा, क्योंकि R जो है वो एक क्लोज्ड सेट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज R इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये रिंग हो जाने के कारण आर जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारे पास में किस में बिलोंग कर जाएगा, आर बाय आई के अंदर। देयरफॉर आर बाय आई इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डॉट। सेकेंड है जहां पर हमें एसोसिएटिविटी प्रूफ करनी है आर बाय आई के अंदर, तो उसके लिए हम तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट आर प्लस आई एस प्लस आई
टी प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई, तो हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं आर प्लस आई डॉट एस प्लस आई डॉट टी प्लस आई। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आर एस प्लस आई इंटू टी प्लस आई। ये क्या आ गया, आर एस इंटू टी प्लस आई। अब यहां पर देखिए ये एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर एस टी, ये सब आर के एलिमेंट्स हैं और ये आपस में एसोसिएटिव हैं, बिकॉज आर रिंग है तो आर में एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू एस टी प्लस आई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये वाला आर प्लस आई इंटू एस टी प्लस आई, तो ये आ गया आर प्लस आई इंटू एस प्लस आई इंटू टी प्लस आई। तो यहां पर देखिए चाहे आप पहले इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए बाद में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर फर्स्ट एलिमेंट को बाद में मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड थर्ड को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्स विद रिस्पेक्ट टू डॉट इन आर बाय आई। तो इस तरह से हमारे पास में एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमें लास्ट चीज जो प्रूफ करनी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा आर बाय आई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एक रिंग बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, लेट आर प्लस आई एस प्लस आई टी प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाय आई। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं आर प्लस आई इंटू एस प्लस आई प्लस टी प्लस आई, ये आ गया आर प्लस आई इंटू एडिशन किस तरह से होगा इसका, एस प्लस टी प्लस आई। यहां पर R, S, T जो है वो R के एलिमेंट्स हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, R इंटू एस प्लस टी प्लस आई। तो ये हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन डिफाइन हो रहा है, ये हो गया आर एस प्लस आर टी प्लस आई। अब एडिशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आर एस प्लस आई प्लस आर टी प्लस आई। इसको ये कैसे हो गया, ये हो गया आर प्लस आई इंटू एस प्लस आई प्लस आर प्लस आई इंटू टी प्लस आई। तो यहां पर देखिए एक एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सम ऑफ टू एलिमेंट्स से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एलिमेंट विद दिस एलिमेंट प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस आर प्लस आई विद टी प्लस आई। तो इस तरह से हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड हो रहा है। देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन आर बाय आई। तो यहां पर हमारे पास में रिंग की जितनी भी कंडीशंस थी वो हमने यहां पर प्रूफ कर दी है। देयरफॉर आर बाय आई विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट इज अ रिंग, ये एक रिंग बन जाती है और इसको हम कहते हैं कोशेंट रिंग विद रिस्पेक्ट टू आइडियल आई। इट इज कॉल्ड अ कोशेंट रिंग विद रिस्पेक्ट टू आइडियल आई, और हर एक आइडियल की कॉरेस्पॉन्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट कोशेंट रिंग जो है वो कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरह से आपने यहां पर कोशेंट रिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जाना और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर R के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसका R बाय आई पे क्या इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल, अगर R कॉम्यूटेटिव है तो R बाय आई पे क्या इफेक्ट होगा, अगर R में यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो R बाय आई पे उसका क्या इफेक्ट होगा,
तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट आर की जो आर बाय आई की जो प्रॉपर्टीज हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस तरह से हम क्वेश्चन रिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उस पर बेस्ड कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स थ्योरम्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।